लंदन में कनिका की शादी होगी, पर मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ। कनिका को इस घर से निकालकर वापस लंदन भेजने के लिए मैंने और देवदत्त ने यह झूठ बोला। सिद्धार्थ को ये बात पता है पापा? देवदत्त ने उसे ये बात समझा दी होगी, अब मुझे यकीन है कि वो खुश होगा। मुझे भी यकीन है पापा। पापा, पापा जैसे कनिका की समस्या का समाधान आपने निकाला, वैसे आप मेरे परेशानियों का भी कुछ कीजिए ना। कैसी परेशानी है? मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए पापा, और उन सवालों के जवाब दिए बगैर आज मैं आपको जाने नहीं दूंगी। कौन से सवाल है? आजकल मैं ये क्या बर्ताव करती हूँ, मुझे लगता है मैं किसी और की जिंदगी जी रही हूँ। मैं किसकी जिंदगी जीती हूँ पापा? मैं कैसे बता सकता हूँ? तो फिर कौन कह सकता है? क्यों नहीं कह सकते आप? मेरा मतलब है, मुझे कुछ मालूम नहीं है उसके बारे में। आप सच में नहीं जानते पापा, या फिर आप मुझे बताना नहीं चाहते? पापा मुझे बताइए प्लीज, कैसा बर्ताव किया था मैंने आपके साथ? आप मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं, कुछ पूछते क्यों नहीं, मुझे डांटते क्यों नहीं, क्रिया क्यों नहीं करते आप? देखो, मेरे सामने तो ऐसा कोई भी बर्ताव तुमने नहीं किया है। आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा मानती थी मैं पापा। देखो बहू, मैंने आज तक कभी तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। अगर झूठ नहीं बोला है तो फिर ये कौन सा सच है पापा? हालांकि आप इनकार कर रहे हैं कि आपने मेरा ऐसा कोई बर्ताव नहीं देखा जिस पर आपको एतराज था, तो फिर आप इसे क्या कहेंगे पापा? क्यों बर्दाश्त किया आपने? आपने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा जब उस दिन पार्टी में मैंने इस तरह से? बताइए पापा, क्यों बर्दाश्त करना पड़ा आपको, क्यों? आज मैं आपकी खामोशी बर्दाश्त नहीं करूंगी पापा, आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। छटपटा जाती हूं मैं इन बिन जवाबों के सवालों को लेकर। मुझे नहीं मालूम। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता कि ऐसा मैं क्यों करती हूं, लेकिन आप इतना तो बता सकते हैं कि मैं क्या करती हूं, क्या कहती हूं मैं आपसे, बता सकते हैं ना आप पापा? पापा, एक बार मैंने आपको आपके नाम से पुकारा था, हुआ था पापा? पापा क्या ये सच है? प्लीज मुझे बताइए आप, क्या ये सच है? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ पापा, मुझे बताइए प्लीज, मुझे मेरे सवालों के जवाब दीजिए आप। मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है। जवाब है आपके पास पापा, जवाब है, पर आप बताना नहीं चाहते मुझे। तो ठीक है, मैं अपने तरीके से जवाब ढूंढ लूंगी, क्योंकि जवाब तो मुझे चाहिए पापा, और वो भी बहुत जल्द चाहिए। मैं भी आपकी मदद कर। अरे बहू रानी, रहने दीजिए, आप जाके आराम कीजिए, मैं सब संभालता हूं ना। चलिए, अब आराम करने से आराम कहां मिलेगा? मतलब इस घर को हर परेशानी से जब तक मैं मुक्त नहीं करवा देती, तब तक मुझे आराम नहीं मिलेगा। बहू रानी, इस घर की दो बड़ी परेशानियां तो हमेशा के लिए दूर हो गई। एक तो कनिका चली गई, और दूसरी परेशानी आप दोनों पति पत्नी लंदन जाने वाले थे, वो नहीं गए, बहुत अच्छा हुआ। सच बताऊं, आपके बगैर घर सुना सुना हो जाता। तो फिर एक आखिरी परेशानी को दूर करने में भी मेरी मदद कीजिए। जरूर, बताइए क्या है परेशानी? उस परेशानी का नाम है माया। पापा और सिद्धार्थ की खुशी मेरा और आपका धर्म है, फिर चाहे उस धर्म के आड़े कोई क्यों ना आए, चाहे मैं खुद क्यों ना आऊं, हमें उससे निपटना तो पड़ेगा ना। हाँ बहू रानी। पापा के चेहरे पर उदासी, जुबान पर खामोशी है, सिद्धार्थ भी बौखला ऐसा रहता है, इसका मतलब है कि इस घर की नाखुशी अब तक दूर नहीं हुई है। उसे दूर करने में मेरी मदद कीजिए प्लीज,
आप मुझे मुझे बताइए कि मुझे क्या हो जाता है। कभी कभी आपको कुछ हो जाता है, क्या हो जाता है मेरी समझ से तो बाहर है। आपके जितने समझ में आता है आप उतना बताइए मुझे, मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि आखिर मर्ज क्या है और दवा क्या है। सुना है कि मैं पापा से बहुत अजीब तरह से पेश आती हूँ, कैसे पेश आती हूँ मैं? कभी कभी आप बड़े साहब की हम उम्र बन जाती हैं। सच बताऊं, हम लोगों को आप में किसकी छवि नजर आती है? किसकी? वो हमारे स्वामी। अपने काम से मतलब रखो, यह वहां की बहस में नहीं। इस घर में सवालों के जवाब हम देंगे, किसी बहस में पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है, समझे? अगर आइंदा तुमने ऐसी कोई कोशिश की तो माफ कीजिएगा साहब, दोबारा ऐसी भूल नहीं होंगी। कुमार, तुम चीफ अकाउंटेंट से कहो कि मेरे पास इस महीने की स्टेटमेंट्स लेके आए। जी सर। सर। हेलो। हेलो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं जानता था माया कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। जस्ट होल्ड ऑन। यस मिस्टर कुमार, एनीथिंग एल्स? ऐसा करता हूँ सर, मैं बाद में आता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ पूछना तो पूछो। वो कनिका जी बहुत दिनों से ऑफिस में नहीं आ रही। अब वो इस ऑफिस में आएंगी भी नहीं मिस्टर कुमार। बुरा ना माने तो एक बात कहूं, ऑफिस के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ माया। यहाँ ऑफिस में कनिका के जाने की सबको बहुत खुशी है। खैर तुम पूछो, क्या पूछ रही थी? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ तुम मुझे टालने की कोशिश नहीं करना। किस मामले में? सिद्धार्थ तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं कभी कभी बहुत अजीब सा बिहेव करती हूँ। कैसा बिहेव करती हूँ मैं सिद्धार्थ, क्या करती हूँ? माया तुम्हें इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कनिका की वजह से हम कुछ परेशानियों में घिर गए थे, इसलिए हो सकता है कि। नहीं सिद्धार्थ, मेरे उस बिहेवियर का कनिका से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो कनिका के आने से पहले, हमारी शादी से पहले तुमने खुद कहा कि तुमने मुझे अजीब बर्ताव करते देखा है। क्या है वो सिद्धार्थ? माया अभी अभी तो कनिका गई है, एटलीस्ट उसे जाने की खुशी तो सेलिब्रेट करने दो। फिर जो इक्की दुक्की प्रॉब्लम है वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ जितनी जल्दी हो पाए प्लीज। सिद्धार्थ कुछ तो है, कोई ना कोई वजह कहीं ना कहीं जिसे मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ। सिद्धार्थ प्लीज हेल्प मी। ओके, विल सॉर्ट इट आउट। खबरदार, जो सिद्धार्थ को इस परेशानी में घसीटा दो, उसका दिल कमजोर है, एक हद तक वो हालात को बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद नहीं। पापा मैं जानती हूं, लेकिन अगर आप मेरी मदद। तुम सिद्धार्थ के साथ कोई भी बात नहीं करोगे, कोई भी राज उसकी जान से तो बड़ा नहीं है। किस राज की बात कर रहे हैं आप? मेरा मतलब वही जिसे तुमने राज बना दिया है। और इस मसले पर ना मैं कुछ जानता हूं और ना कुछ बात करना चाहता हूं। एक और बात, इस घर की अच्छाई के लिए तुम भी किसी से इसके बारे में चर्चा ना करो तो अच्छा होगा बहू। इस घर की बेहतरी के लिए मुझे पता तो लगाना ही है, पर बिना किसी से कोई चर्चा किए।
क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बहुत दिल दुखाया तुमने मेरा उस पार्टी में। कौन बोल रहा है? मनमोहन, अब ये मत कहना कि तुम मुझे पहचानती नहीं। देखो मैं तुम्हें वाकई नहीं पहचानती, पर मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, कौन हो तुम? झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। या तो तुम किसी के डर से कह रही हो या कोई तुमसे कहलवा रहा है। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती थी, हम एक दूसरे के कितने नजदीक हुआ करते थे। ये हरगिज मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारे नजदीक कैसे हो सकती हूँ जब मैं तुम्हें जानती तक नहीं। माया, किसका फोन था? वो ऐसे ही किसी का फोन था। माया, जिस तरह तुमने मुझे देखकर फोन रख दिया, लगता नहीं बस ऐसे ही किसी का फोन था। किससे बात कर रही थी? सिद्धार्थ, तुमने एकदम से फोन क्यों कर दिया? आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, कौन है आदमी जिससे तुम बात कर रही थी? मुझे नहीं पता। ओ, तो आजकल तुम बिना जान पहचान के बातें करती हो। सिद्धार्थ, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं ले लूंगा अपने हाथों से। रखो। आज इस घर में इतना तनाव क्यों है? कोई किसी से ठीक से बात ही नहीं कर रहा है। साहब जी, कोई बात हुई क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर कोई किसी से ठीक से बात क्यों नहीं करता? क्योंकि हम सबके जबान पर सिर्फ सवाल है, जिसके जवाब हम तीनों में से किसी के भी पास नहीं है, तो कोई किसी से क्या बात करे। हेलो, 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 जब पति और पत्नी के कमरे में झूठ दाखिल हो जाए, भले ही वो गहरी नींद में सोने का ढोंगी क्यों ना हो, तब समझ लेना चाहिए कि उस रिश्ते की उम्र कम हो गई है। माया, ये रिश्ता ज्यादा चलने वाला नहीं है। ये बहू सुबह से दिखाई नहीं दी। जी, वो तो सवेरे ही चली गई। कहाँ? वो तो कुछ बताया नहीं, छोटे साहब के जाते ही वो निकल गई। हेलो, तू तो बड़ा घटिया आदमी है, अपने बेटे को ऑफिस भेजकर घर में क्या गुल खिलाता है? तू जैसा कमीना आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा।
अब तुम्हारी बातें क्या सुननी और क्या समझनी, तुम वैसे ही दिमागी तौर से बीमार हो। का दूसरा जन्म हो सकता है, इसीलिए मुझे उन सब बातों के बारे में पता है जो माया को इस जन्म में नहीं पता। ऐसे इत्तेफाक दुनिया में हुए हैं जब इंसान को अपना पिछला जन्म याद रह जाता है। बहुत ही दर्दनाक होता है इन इंसानों के लिए जब एक ही जीवन में आपको दो जन्म जीने पड़ते हैं। पिछले जन्म की यादें पीछा नहीं छोड़ती और इस जन्म की यादों से आकर उलझ जाती है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे इंसानों की जिंदगी बहुत कम होती है और उनकी जल्दी मौत हो जाती है। माया बेटी, शायद मुझे भी मेरे सवालों के जवाब इस किताब में मिल जाएं। ये किताब मैं ले सकता हूं पढ़ने के लिए? और मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। किसका जन्म लिया है मैंने? अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे अंदर जाने दो। आप अंदर नहीं जा सकते, मुझे अमर से मिलना है। साहब, किसी से नहीं मिलना चाहते। हाँ, मुझे जाने दो। छोड़िए, आप नहीं जा सकते। हटो यहाँ से, छोड़ दीजिए। खबरदार, इस घर में कदम रखा तो निकल जाओ यहाँ से। क्या करोगे? कटवा कर फेंकवा दोगे? ठीक है, फेंकवा दो, लेकिन आज मैं अपनी मीरा को मिले बिना नहीं जाऊंगा। मनमोहन, इस घर में मीरा नहीं रहती है, यहां से चले जाओ। तो वो औरत कौन है? उसने मुझसे बात की है, वही मीरा है। वो सिद्धार्थ की बीवी है, मेरी बहू है वो। ससुर बहू का रिश्ता तो कहीं से नहीं लगता। जो कुछ मैंने देखा है किसी ने नहीं देखा। तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? वो तुम्हारी बहू नहीं है। सच सच बताओ, तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम इतने कमीने कब से हो गए हो अमर कि अपनी नाजायज हसरतों को पूरा करने के लिए जायज रिश्तों का सहारा लेते हो? मनमोहन, अपनी नापाक मोहब्बत को हासिल करने के लिए पाक जरिए अपनाते हो? मेरी मोहब्बत ना कभी नापाक थी और ना कभी नापाक होगी। अगर अपना सीना ठोक कर बात करते हो तो बताओ, इस औरत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्या लगती है तुम्हारी? कौन है? मनमोहन, मैं अपने कान्हा की राधा और अमर की मीरा हूं मनमोहन।